हेलो गाइस, फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। बात करने वाले हैं टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र शेयर के बारे में। क्या है सर को बाय करना चाहिए, क्या इसका फंडामेंटल है? कंपनी करीबन 260-270 रुपये तक हाई लगाया था 2022 में, अभी ये सर नीचे लेवल में मिल रहा है। और ये कंपनी 7 रुपये करके लिस्टिंग हुआ था 2001 में। ओवरऑल 1000% की अच्छा रिटर्न दिया है। क्या है सर को बाय करना चाहिए, क्या इसका फंडामेंटल है? हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग रहेगा बाय करेंगे, नहीं तो उसको अवॉइड करेंगे। ईयर वाइज डाटा रेवेन्यू ग्रोथ नेटवर्क डाउन प्रॉफिट डाउन, तो ज़्यादा पैसे नहीं कम पैसा ही लगाएंगे शेयर। यहाँ पर आप देखोगे प्रमोटर रखा है 74%, रिटेल इन्वेस्टर 23%, फॉरेन इन्वेस्टर 2.5%। यहाँ पर माल रखा है। कंपनी का फुल डिटेल्स देखोगे, BSE और NSE दोनों में लिस्टिंग है। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप, पी नेगेटिव है, बुक वैल्यू नेगेटिव, डिविडेंड नहीं देता है, आरओएस पॉजिटिव, आरओई नेगेटिव, फेस वैल्यू 10 का है। कर्जा 20,000 करोड़ का है, रिजर्व ने रखा है, एसेट रखा है, बैलेंस शीट है, कैश रखा है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव, नेट नेगेटिव, 6 महीने में अच्छा रिटर्न दिया है, सेल ग्रोथ बढ़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव, नेट प्रॉफिट नेगेटिव, तो ज़्यादा पैसा नहीं कम पैसा ही हम लोग लगाएंगे, क्योंकि कंपनी न्यूज़ बेस्ड शेयर है। ठीक है, प्रॉफिट अच्छा जनरेट नहीं कर रहा है, माइनस प्रॉफिट झेल रहा है, लेकिन शेयर यहाँ पर भाग रहा है। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।